है सुबह सुबह का टाइम, जैसे ही मैंने झाड़ू लेके सोचा कि घर का झाड़ू करूँगी, फिर पोछा, और मैंने 2 बाल्टी कपड़ा रख रखा था, तो ये मेरा सपना टूट गया। और टूटा कैसे, ये भैया देख सकते हो, मतलब अंकल अंकल है तो ये आए हैं पेंट करने दरवाज़ा को, और मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन पहले नहीं दिया गया था, वरना मैं पहले से अपना काम कर लेती और काम करके साइड हट जाती, मैं दूसरे रूम में चली जाती या तो ऊपर चली जाती, क्योंकि जो ये पेंट है ना, इसका जो खुशबू है, चाहे आप बदबू भी बोल सकते हैं, मुझे बहुत ही भद्दा लगता है। कई लोग तो बोलते हैं इसका सेंट बहुत अच्छा है, सूंघने में बहुत अच्छा लगता है, बट मुझे नहीं लगता है। तो ये जो सारा गला पुराना जो भी मार्क्स था मैंने निकाल लिया है ढूंढ डांड के, और मैं इसी को पहन चुकी हूँ। और मिलते हैं की दुनिया पे आप लोग देख सकते हो कि काजल ने मेरे से लहसुन मंगाया और बोल रही थी कि अभी गुस्से में है, तो हाँ थोड़ा लेट हो गया। तो अभी मैं लहसुन लेके आया हूँ जस्ट, तो मैं लहसुन लाया हूँ कितने गुट्टी, दूसरा हाथ, दूसरा हाथ। तो गाइज आप लोग गेस कर सकते हो कि लहसुन कितने का होगा ये इतना सा। गाइज ये लहसुन है 500 रुपए का। 500 का तो नहीं है कितने का है गाइस? तो ये लोग, ये लहसुन है 60 रुपए का 3, मतलब 20 रुपए का एक। गैस करने देती हूँ उन लोगों को। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी के टाइम में कितना चल रहा है? अभी बहुत महंगा चल रहा है, यानी कि 120 580 रुपए किलो है लहसुन। हाँ तो 500 रुपए, 80 रुपए किलो है 500। अभी क्या करें, लहसुन के बिना टेस्ट भी नहीं आएगा। तो ये ब्लर कैसा है कैमरा ना, पीछे ब्लर हो रहा है आपका यार, है बस फोकस। कैमरा ठीक करी ना वहाँ से। मैं भी वैसे ही इंसान हूँ, तो जब लहसुन इतना महंगा हो गया है। हाँ तो लहसुन खाओगे नहीं? नहीं खाऊंगी। अच्छा, एक सब्जी में बस देख सकते हो आप लोग, बाकी ये रख दूंगी मैं बीज, मगर थोड़ा सा लेके आते ना, एक ही लेके आते। अरे तो मुझे क्या पता कहीं कम ना पड़ जाए, तो कम ना पड़ जाए इस वजह से मैं डर के मारे आपके ले आया हूँ। तो गाइज मैं लेट आने में नहीं डरता हूँ, लेकिन लहसुन प्याज लाने में डरता हूँ। तो फाइनली हम लोग घर में पहुँच गए, तो हम लोग अब खाना बनाएंगे और खाएंगे। तो गाइज मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गई थी 3 बजे, और मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने अपना मौज वाला जो अकाउंट है वो खोल के देखा, तो उसमें मैंने बहुत शादी के जब फर्स्ट टाइम मैं आई थी दिल्ली में, तब का वीडियो रखा हुआ है, देख सकते हो मैं कितनी पतली हूँ यार। उस टाइम मैं बहुत पतली थी, और मुझे ऐसा लगता था कि नहीं मैं मोटी हूँ, बट अब मैं मोटी हो गई हूँ। अगर आप लोग मेरा कोई भी वीडियो अभी उठा के देख लेना कंपेयर करके, तो प्रीवियस और अभी को मिला के, तो गाइस मैं अभी बहुत मोटी हो चुकी हूँ। तो हेलो गाइस, आज शनिवार का दिन है, तो मैंने नहा के आज सूट पहना है, और बहुत दिन बाद मुझे लगता है मैंने आज फिर से सूट डाली है। तो ये रेड वाली सूट है, आप लोग ने देखा ही होगा। और मैं ना अभी इतना कपड़ा धो के आई हूँ, इतना कपड़ा कि ऐसा लग रहा है मतलब बहुत सारा, बट मुझे ना कपड़े सुखाने के लिए थोड़ा भी जगह नहीं मिला, तो बस बहुत थोड़े से जगह में जहाँ था कपड़े से जैसे तैसे डाल के आई हूँ। लोग ना क्या करते हैं कि उनका रस्सी नहीं भी होता है ना, और होता भी है ना, तब भी बहुत सारा कपड़ा लेके डाल देते, थोड़ा दूसरे के लिए भी छोड़ देना चाहिए। और हम मेरा तो कभी कभी कपड़ा होता है, बाकी मैं रोज़ धो लेती हूँ, बट इन लोगों का कपड़ा जो है बाप रे बाप, रोज़ ही 10-15 रोज़ 10-15। और यहाँ पे पेंट वगैरह हुआ था जो, तो मैं पीछे वाले का, तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये सब पेंट हुआ है, तो इस कारण से चमक रही है। और दरवाज़ा वगैरह भी हुआ है, इसमें नहीं हुआ है क्योंकि ये दरवाज़ा है ना, इसका कलर थोड़ा चेंज है, बाकी जो हमारा ये बाथरूम वगैरह भी सेम ऐसा ही है, तो इसमें भी नहीं हुआ, बाकी वो खिड़की में हुआ। और ये सब जो है, इस सब में मज़ा आ गया, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, हालांकि पहले बहुत गंदा सा था ये सब, और इसका लॉक वगैरह टूटा हुआ है, तो ये बस डायरेक्ट इसमें ना एक लॉक सिस्टम होता है, ऐसे करने पे बंद हो जाता है, बट वो है नहीं अभी, तो
टीवी का बैलेंस भी ख़त्म हो गया। मैं यूट्यूब लगा के कहानी देखने वाली थी तो ख़त्म ही हो गया। और अब मैं छत के ऊपर जाती हूँ, देखती हूँ कपड़ा, क्योंकि आधा घंटा हो गया। आधा घंटा में कपड़ा उलट के फिर आऊँगी, फिर थोड़ा रेस्ट करूँगी। और मैंने खाना पीना भी खा लिया है। और खाना पीना में मैंने बनाया था आलू मटर का सब्ज़ी, और उसी को खाई हूँ। और इनको भी आज सुबह सुबह जल्दी जाना था, क्योंकि पहले इनके ऑफिस में पंच आउट नहीं करना पड़ता था, तो ये आगे पीछे भी जाते थे, तो कोई बात नहीं। और जब से पंच आउट करना पड़ता है ना, तो वहाँ पे सबसे पहले एंट्री करना पड़ता है, मतलब सबसे टाइम पे, मतलब सबसे पहले नहीं, टाइम पे। तो इसलिए जब से पंच आउट लगा खाली बोलते रहेंगे मुझे, जल्दी दो खाना, जल्दी दो खाना, मैं जा रहा हूँ। अगर लेट हो जाता है ज़्यादा तो बोलते छोड़ दो टिफ़िन, नहीं मैं बोलती हूँ टिफ़िन ले जाना ज़रूरी होता है, 12-1 बजे खाना कहाँ से मिलेगा। और ये लगा दे, अब चलते हैं, टीवी भी नहीं देख सकते हैं, ऊपर ही चलती हूँ। मैं ऊपर गई थी, देखो कपड़े वपड़े देख के भी आ गई 2-3 बार। आज तो मैं छत पे कम से कम 6-7 बार मेरा जाना आना हो गया। हालांकि मैं इतना नहीं जाती हूँ, मुझे जाना इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि कोई रहता भी नहीं है, तो बात करने के लिए भी कोई नहीं है, तो इसलिए इस वजह से। और अकेले क्या ही करूँगी यार, आप लोग भी समझ सकते हो। रूम में वापस आके मैं, मेरा वही डेली रूटीन है, कुछ काम होगा तो करूँगी, स्क्रिप्ट वगैरह लिखना होता है तो लिख लेती हूँ, वरना मैं सीधा सो जाती हूँ, मतलब लेट लेट के नींद से नहीं, मूवी वगैरह देख। तो कपड़े वगैरह भी देख के आई हूँ, सब जैसा रखा था सब वैसे ही है, और कोई भी गिरा नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि सूखने देती हूँ, क्यों झूठ मूठ का टोकना। और मैं सोची छत पे कोई अगर आया होगा तो साथ बैठ के बात कर लूँगी, बट कोई नहीं है अभी छत पे। और एक है मेरे नेवर्स ही है, तो वो इंतज़ार करती है कभी कभी मेरा कि मैं निकल के आऊँगी। हालांकि मैंने उसको बोला है कि अगर तुम्हें बोर लगे तो आ जाना मेरे साथ बैठने के लिए, टीवी वगैरह देखेंगे, बट वो नहीं आती है। थोड़ा शर्म भी करती है, और ऊपर से इसलिए भी नहीं आती ना, तो बोलती है कि जो यहाँ पे लोग एक दूसरे के घर नहीं जाते, इसलिए बोला ऐसा कुछ नहीं है, आप आ सकते हो मेरे घर, हमेशा वेलकम है सभी का। और चलो हो गया आज का ब्लॉग इतना ही, और आप लोगों को मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाई क्योंकि पेंटिंग हो रहा था। और कल मैंने देखा ही था, आप लोगों ने लहसुन वगैरह मंगवाया था खाना बनाने के लिए, तो लहसुन इतना महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया, सीरियसली इतना महंगा क्यों हो गया पता नहीं। और आप लोगों को तो पता ही होगा दिल्ली में किसान लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो मैंने तो इतना न्यूज़ नहीं देखा है, बट मुझे इतना पता है कुछ चीज़ का मांगे कर रहे होंगे, तो इस कारण से खिड़की खुला रखने से ना धूप आते तो अच्छा लगता है। और इसलिए कई लोग दिल्ली से बाहर भी नहीं जा सकते हैं, मतलब कोई भी नहीं जा सकता है, ऐसा अभी रूल चला है, तो कुछ दिन के लिए होगा शायद ऐसे। और अभी ठंडा दिन थोड़ा ख़त्म भी हो गया। तो गाइस छोटा सा वीडियो कैसा लगा, मुझे पता है कि अकेले वाला जो ब्लॉग होता है ना बहुत कम ही लोग देखते हैं, क्योंकि उनको ना ऐसा होता है मतलब साथ में ना कॉमेडी वगैरह वाला चाहिए होता है, तो कभी तो मैं बना लेती हूँ और कभी मुझे टाइम ही नहीं मिलता। आज मैं फटाफट उठी, फटाफट खाना वाना बना के फटाफट इनको खिलाया और फटाफट ये निकल गए, तो इसलिए। और मेरे साथ कोई है भी नहीं तो मैं कॉमेडी ब्लॉग बना भी नहीं सकती, और जब कोई होता भी है मैं बहुत आलसी हो जाती हूँ वीडियो बनाने के लिए, पता नहीं क्यों ऐसे होता है मेरे साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में नए सोच के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिए।